जो अपनी जुबां से अपनी मेहनत का जिक्र नहीं करते, उनका जिक्र सबकी जुबां पर होता है। ऐसे ही कुछ कहानी है विनोद सोनी जी का। इनका जन्म 5 मई 1985 को सोहता अड्डा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के एक गरीब परिवार में हुआ, जहां रहने के लिए ना ही खुद का घर था, ना ही कमाई का कोई अच्छा साधन। एक छोटे से किराए के घर में ही पूरे परिवार का जीवन यापन होता था। जहां एक बच्चे के पढ़ने एवं खेलने के दिन होते, वहीं मात्र 14 वर्ष की आयु में विनोद जी ने परिवार की स्थिति को देखते हुए कालीन बनाने का काम शुरू कर दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह रेखा जी से हो गया। जीवन सामान्य था। ऐसा है भैया, भाई पढ़त रहे छोटे, थोड़े से पढ़ावा, पढ़ाई की वजह से तभी गलीचा भी नहीं लगे, टप टेज गलीचा भी नहीं, उसको पिताजी बीमार हो गए तो खत्म हो गए। जीवन में जो भी कमाई थी सारी पिताजी के इलाज में खर्च हो गई, और ऊपर से कर्ज के कारण जीवन बहुत ही दुखमय हो चुका था। परंतु जीवन के इस कठिन समय में रेखा जी ने इनका साथ भरपूर दिया, और यही वाराणसी शहर में इन्होंने 5,000 रुपए महीने की नौकरी शुरू कर दी। परिवार का खर्च न चल पाने के कारण रेखा जी ने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। किसी तरह अपने परिवार और 3 बच्चे की जिम्मेदारी को निभाने लगे, पर इससे कहां कुछ होना था। फिर इन्हें किसी व्यक्ति के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस देखने का मौका मिला। जीवन में एक उम्मीद दिखाई दी, शायद यहां से जीवन में देखे सारे सपने पूरे हों। लेकिन 5 वर्षों तक कड़ी मेहनत और संघर्ष के बावजूद सपने पूरे नहीं हो पाए। लगा कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, परंतु फिर डायरेक्ट सेलिंग का मौका मिला गुरु प्रणव पांडे एवं कृष्ण कुमार जी के माध्यम से। पुराने अनुभव के कारण करने की इच्छा तो नहीं थी और डर भी था, कहीं हार गए तो क्या। लेकिन एक बात समझ में आई कि हार मान ली तो शायद जीवन गरीबी में ही बीतेगी। तब हमारा बेटवा एक कंपनी पकड़ा, कंपनी से तो रोटी दाल अपन जमीन मिल लिया, बनवाएन उनवाएन, तब हमारे लोग को चला था, नहीं बड़ी परेशानी रहा। अभी पढ़वे के अब गाड़ी हो लिए ना भैया, अब तो जना भगवान हमारे खियाँ लक्ष्मी अब बसिन कंपनी पकड़े को जैसे हमार कुल भवा है, घर भवा, गाड़ी भवा, बच्चन भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ होता है। और निर्णय लिया AWPL में फिर जीवन लगाने का। हमारी शादी हुई थी, बहुत बुरा स्थिति था, और हमारे हस्बैंड करते थे, उसमें मैनेज नहीं होता था, तो हम सिलाई करते थे, बाहर चले जाते थे और बच्चों को मैनेज करते थे, पढ़ाते थे। और फिर मिर्जापुर में रहते थे, वहाँ नहीं हो पाता था, तो हम लोग बनारस में आए करने लगे, और एक SLPS कंपनी आई, उसमें ज्वाइनिंग किए, और वहाँ से हम लोग का दिन अच्छा आया। और हम भी इनको मना करते थे, इस कंपनी में काम मत करिए, और हमारे घर वाले सारे लोग मना करते थे कि नहीं ये मत करिए कंपनी में काम, इसलिए इसके पहले एक बार करे थे, उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं, इसीलिए सब कोई मना करता था। अब करते अब करने लगे, बोले कि नहीं हमको पसंद है, हम करेंगे। अब उसमें सक्सेस हो गए, अब हम लोग सब लोग खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, हमारे मायके के ससुराल के लोग भी खुश रहते हैं, और हम भी खुश रहते हैं। और गाड़ी भी लिए हैं, 2 गाड़ी लिए हैं, मकान भी बनवाए हैं बनारस में। और इनके सीनियर दूसरे कंपनी में थे, तो आते थे मिलने के लिए, हम जब भी मिलते थे तो बहुत बुरा दशा था, हम लोग को बहुत स्थिति ख़राब थे, तो हमको समझाते थे प्रणव पांडे सर और वर्षा भाभी ने कि रेखा घबराओ मत, तुम्हारा अच्छा दिन आएगा, और हमारा अच्छा दिन आ गया है। मेरे पापा इस दुनिया के बेस्ट पापा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद AWPL का। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रणव पांडे आज आप सबके बीच में मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार प्रमोशन का दिन है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसी पर्सनालिटी का कि जिन्होंने आज अपना बहुत ही शानदार रैंक, ब्लैक डायमंड रैंक अचीव किया है।
हाँ जी, मैं बात करना चाहता हूँ विनोद कुमार सोनी जी के बारे में। मेरे दोस्तों, विनोद सोनी जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं। मेरी उनकी मुलाकात सन 2008 में हुई थी। तब एक कालीन का काम किया करते थे। बहुत ही छोटी सी जिंदगी थी, परिवार में बहुत ही सारी जिम्मेदारियों को लेकर के चल रहे थे। अब तब उन्होंने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की शुरुआत किया था, लेकिन सफलता नहीं मिलने के कारण एक असफल जिंदगी जी रहे थे। और उस असफल जिंदगी जीने की वजह से परिवार, बीबी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन के रूप में सब लोग उनसे बहुत ही दुखी थे, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। और मैं भी उनके लिए शायद बहुत कुछ नहीं कर पाया। लेकिन स्लीपियस वेलनेस का प्लेटफॉर्म जब मेरी ज़िंदगी में आया और जब मैंने इस प्लान के बारे में उन्हें बताया, मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में स्लीपियस वेलनेस में आज जो उन्होंने रैंक अचीव किया हुआ है, आज ये रैंक लाखों लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। आज मैं बताना चाहूँगा कि जिस विनोद सोनी जी के पास अपना घर नहीं था, आज विनोद सोनी जी के पास एक शानदार 1 करोड़ का घर है। और चलने के लिए न कि सिर्फ कार है, बल्कि आज उनके पास एक ड्रीम लग्जरी मर्सिडीज जिसकी कीमत 77 लाख रुपए है। इतनी शानदार कार के वो मालिक बने हुए हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो ऐसे ही दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करते रहें, अपने ज़िंदगी में सारे सपने पूरे करें और अपने टीम के लिए जो उन्होंने मिसाल बनाया है, ये मिसाल का मसाल यूं ही आगे लेके चलते रहें। एक बार पुनः उनको, विनोद सोनी जी को ब्लैक डायमंड बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथ मिला गुरु जितेंद्र मौर्य एवं अवधेश नारायण सर का, और मार्गदर्शन मिला अमित दुबे सर एवं शिव कुमार सर का। और हार न मानने का जज्बा, निकल पड़े मैदान में अपने सपनों को पूरा करने का प्रण लेकर। दोस्तों नमस्कार, मिस्टर विनोद सोनी जी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से अपने जिंदगी का शुरुआत किए। ये आज से लगभग 5.5 साल पहले मुझे मिले थे, और मिलने के बाद इन्होंने बोला था कि सर, इस इंडस्ट्रीज में मैं बहुत मेहनत किया हूं, लेकिन मुझे एक अच्छे अपलाइन और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और दोस्तों, इन्होंने आज से 5.5 ईयर्स पहले AWPL की शुरुआत हमारे साथ किया। विनोद सोनी जी के बारे में बोला जाए तो विनोद सोनी जी 24 घंटे में 20-20 घंटे काम करते हैं। और दोस्तों, आज उनके मेहनत और समर्पण का नतीजा है कि मिस्टर विनोद सोनी जी कंपनी के रिपोर्टेड रैंक ब्लैक डायमंड को अचीव किए हैं। मिस्टर विनोद सोनी जी को ब्लैक डायमंड अचीव करने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। एक दिन भी बिजनेस में गैप नहीं किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सही प्रोडक्ट, अच्छा पे आउट और शानदार एजुकेशन के कारण जिस विनोद जी ने एक बाइक से बिजनेस की शुरुआत की, आज चलने के लिए उनके पास टॉप मॉडल क्रेटा कार एवं 75 लाख की शानदार टॉप मॉडल मर्सिडीज GLC कार है। नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार, स्लीपर्स वेलनेस में ब्लैक डायमंड लीडर। आज आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे और आपके बीच में
एक न्यू ब्लैक डायमंड लेवल अचीव किया है और उस शख्स का नाम है मिस्टर विनोद कुमार सोनी, जिन्होंने अपनी गुरु भक्ति और अपनी मेहनत के दम पर आज इस बिजनेस के अंदर फास्टेस्ट ब्लैक डायमंड शिप अचीव किया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में उन्होंने अपने लिए एक शानदार कार परचेस किया है जिसका नाम है मर्सिडीज GLC, और साथ में ही आज वो करोड़पति क्लब में शामिल हुए। इसके लिए विनोद सोनी सर को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां, और वो इसी तरह से एसलीपियस वेलनेस के अंदर कीर्तिमान हासिल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस शानदार अचीवमेंट पे सबसे पहले मैं विनोद सोनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दोस्तों, मुझे वो दिन याद आता है जब पहली बार विनोद सोनी जी से मुलाकात मेरी हुई थी, और प्लान देखने के बाद इन्होंने 500 रुपये देते हुए ये सवाल किया था कि सर ये 500 रुपये डूबेंगे तो नहीं। एक कहीं ना कहीं से डर था क्योंकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ इनको कि इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता, एक सही गाइडलाइन में काम करते हुए विश्वास किया कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, पेआउट पे, सिस्टम पे, और इसी का नतीजा है कि इतने कम समय के अंदर इतनी शानदार अचीवमेंट आज विनोद सोनी जी ने की है। मुझे बहुत गर्व है कि ये आज हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारी टीम का ही पार्ट हैं, और आज एक अच्छी लग्जरी लाइफ इस बिजनेस से प्राप्त कर चुके हैं। मैं पुनः इस शानदार अचीवमेंट पे विनोद सोनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसे ही नए कीर्तिमान एसलीपियस वेलनेस में बनाते रहें और अपनी टीम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में बुलंद करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। सफलता के लिए इंसान की जिंदगी में कोई भी स्पेशल क्वालिटी का होना जरूरी नहीं है, और ये बात को सत्य प्रूफ किया है हमारे ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर विनोद सोनी जी। जी हाँ दोस्तों, जब पहली बार हमारी मुलाकात सन 2016 में विनोद सोनी जी से हुई थी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपने जीवन को गुजार रहे थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। शुरुआती दौर में ही उन्होंने बताया था कि जीवन में मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन एक अच्छे प्लेटफॉर्म न मिलने की वजह से आज तक बड़ा नहीं कर पाया, और एक विश्वास के साथ एसलीपियस वेलनेस में उन्होंने शुरुआत किया था, और आज बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने शानदार मुकाम को हासिल किया है। तो पूरे एसलीपियस परिवार की तरफ से मैं विनोद सोनी जी के इस शानदार अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप ऐसे ही ग्रोथ करते रहिए, तरक्की करते रहिए, और बहुत ही जल्दी एसलीपियस वेलनेस के ब्रांड एम्बेसडर बनिए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बताते हुए अत्यंत खुशी है कि हमारे साथ आए हुए एक ऐसे लीडर जिन्होंने एसलीपियस वेलनेस पे भरोसा किया, अपने अपलाइन पे भरोसा किया, जैसा जैसा सिस्टम ने बताया सिस्टम को 100% फॉलो करते हुए, कंपनी को सब कुछ मानते हुए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कामयाब अगर आदमी को होना है तो उसकी मेहनत उसकी एजुकेशन से ज़्यादा जरूरी है कि उसके पास जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कितना दम है, और इस प्लेटफॉर्म की दम को पहचानते हुए, इसकी ताकत को पहचानते हुए विनोद सोनी जी ने अपना कैरियर यहाँ पे लगाया और कैरियर के साथ शुरुआत की। शुरुआत में भले ही इनको दिक्कत आई, लेकिन दिक्कतों से कभी हारे नहीं, और ये हम सब के लिए एक उदाहरण है कि शुरुआती दिक्कतों से जो आदमी नहीं हारता है वो एक दिन बड़ी मुकाम को हासिल करता है। और आज विनोद सोनी जी के एसलीपियस वेलनेस के शानदार रैंक को अचीव करने पे हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और हम इनके लिए आगे कामना करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे ही दिन प्रतिदिन बुलंदियों को छूते रहें और हर दिन बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करते रहें। इनको और इनके परिवार को, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जहाँ एक छोटे से एक कमरे के किराए के घर में जीवन था, आज वाराणसी शहर में अपने सपनों का घर है। आज AWPL के माध्यम से 3 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। जैसा जीवन सपनों में भी नहीं सोचा था, वैसे जिंदगी आज पूरा परिवार जी रहा है। आज देश विदेश की कई यात्राएं हो चुकी है। आज विनोद जी इसका श्रेय देते हैं तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म AWPL संस्था, अपने सभी गुरुजन के मार्गदर्शन एवं पूरे टीम को, जिसके कारण जीवन में आज इतनी खुशियां आ पाई। आइए हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं हमारे नए ब्लैक डायमंड विनोद सोनी जी का।